नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सबद। सबद किसे कहते हैं? ये मध्य प्रदेश की बोर्ड परीक्षाओं में, लोकल परीक्षाओं में व प्रतियोगिता परीक्षाओं में जैसे यूजीसी नेट, एमए वगैरह में पूछा जाता है कि सबद किसे कहते हैं, या फिर कबीरदास जी के सबद पर एक टिप्पणी लिखिए। तो हम देखते हैं सबद किसे कहते हैं। कबीर के लिखे पद सबद कहलाते हैं। जो कबीरदास जी ने पद लिखे हैं अपने, उन्हें क्या कहते हैं हम? सबद कहते हैं। कबीर के शिष्यों ने गुरु की वाणी को सबद कहा है। जो दोस्तों कबीरदास जी के जो शिष्य हैं, उन्होंने कबीर की वाणी को अर्थात गुरु की वाणी को सबद कहा है। कबीर ने सबद में अपने उपदेशों का संग्रह कर अपने शिष्यों को सौंपा है। दोस्तों जो बीजक है, बीजक को तीन भागों में बांटा गया है, साखी, सबद और रमेणी। तो कबीर ने सबद में अपने उपदेशों का संग्रह कर अपने शिष्यों को सौंपा है, यानी कि उन्होंने कुछ उपदेश लिखे हैं जो शिष्यों के काम आते हैं, उनकी आंखें खोलते हैं, उन्हें ही सबद कहा गया है। कबीर के सबदों की संख्या कुल 115 है। कबीरदास जी का एक सबद हम देखते हैं। कबीरदास जी ही क्या, जो भी साधु संत होते हैं, जो ज्ञान की बातें बोलते हैं शिष्यों के लिए, वो सबद ही कहलाता है। दोस्तों देखते हैं हमें ज्ञान खोलने वाली बातें। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होई, या आपा को डारी दे, दया करे सब काई। कोई, यानी कि कबीरदास जी कहते हैं जग में कोई भी बैरी नहीं है। जो मन शीतल होए, अगर आपका मन शीतल है तो आपको कोई भी दुश्मन नजर नहीं आएगा और सब लोग आपके मित्र ही होंगे। या आपा को डारी दे, यानी कि इस घमंड को डाल दो, दया करे सब कोई। अगर आप सब पे दया करोगे, सब पर भलमन साहत करोगे, तो आपको कोई भी बैरी नजर नहीं आएगा। तो इन दो पंक्तियों से हमें क्या मिलती है? गुरु की वाणी सुनने को मिलती है और ज्ञान की बात देखने को मिलती है। तो जहां पर हमें गुरु के शब्दों के द्वारा, गुरु की वाणी के द्वारा काव्य में ज्ञान प्राप्त होता है, वही सबद कहलाता है। धन्यवाद दोस्तों।